हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 16th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, ये फ्रैक्शन दिया है, ये फ्रैक्शन को हमें रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको डिनोमिनेटर में पहले चेक कर लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म दिया है या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। लीनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, चलो एक बार फिर से यहां बता देते हैं। इसके पहले के भी सभी वीडियोस में हमने बताए थे, अगर कोई भी इक्वेशन ax plus b अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर फॉर्म, और अगर कोई भी इक्वेशन ax square plus bx plus c अगर ये फॉर्म में दिया है तो वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यहां पे डिनोमिनेटर में हम चेक करेंगे, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट है और तीनों ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब इसको रिजॉल्व करना काफी आसान है। तो चलो हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस 4, देन 2x प्लस 1, देन x माइनस 1। ये गिवन फ्रैक्शन है और अगर हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो जैसा कि हमने कहा यहां डिनोमिनेटर में तीन लीनियर इक्वेशन है, तो तीनों के लिए तीन फ्रैक्शन यहां पे बनने वाले हैं। सबसे पहले x माइनस 4 के लिए एक फ्रैक्शन, तो ये हम x माइनस 4 के लिए बनाएंगे, देन 2x प्लस 1 के लिए दूसरा फ्रैक्शन, तो 2x प्लस 1 के लिए, और लास्ट में x माइनस 1 के लिए तीसरा फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे तीन फ्रैक्शन बनना तय है क्योंकि यहाँ पे तीन लीनियर इक्वेशंस हैं। x माइनस 4 के न्यूमरेटर में a लिखो, ये दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में b लिखो, तीसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में c लिखो। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। अगर हम यहाँ ए बी सी पुट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ए बी सी नहीं है, तो ए बी सी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये जो इक्वेशन है, फिलहाल ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहो, और अब एक काम करेंगे, एबीसी फाइंड आउट करने का प्रोसेस देखो क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये पूरे इक्वेशन को इसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को, ये पूरे इक्वेशन को इसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 4, 2x प्लस 1, x माइनस 1। देखो हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड में ये तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1, ऐसा बचेगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होने वाला है, देखो राइट साइड में ए फ्रैक्शन को जब आप ये तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 और x माइनस 1 ए से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए इंटू 2x प्लस 1 देन x माइनस 1, ठीक है। देन ये b के फ्रैक्शन को जब आप ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी के दोनों ब्रैकेट b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे b x माइनस 4 देन x माइनस 1। उसी तरह से c के फ्रैक्शन को जब आप ये तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये दो ब्रैकेट c से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो c देन x माइनस 4 और फिर 2x प्लस ऑफ 1। इस तरह से ये ऐसा हमें इक्वेशन मिला। ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यही इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। ये जो इक्वेशन मिला है इसको कहो इक्वेशन नंबर 2, और अब हम यहाँ पे ए बी सी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए, तो ए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे केस 1। ए कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए, उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में जो a का फ्रैक्शन है उसमें a का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 4, इसको 0 के साथ इक्वेट करो। x माइनस 4 को क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके लिए क्या करेंगे, माइनस 4 को उधर शिफ्ट करो, तो माइनस 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो प्लस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो देखो हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, क्या आया, x का वैल्यू 4। अब हमें क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 4 पुट करो, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट साइड में ये आएगा, दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1,
देन ये हो जाएगा 4 माइनस 1, देन यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा ही टर्म 0 लिख लो। और c के टाइम में भी जब आप यहाँ पे x के जगह 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे भी हम सीधा सीधा 0 पुट कर लेंगे। और अब यहाँ से हमें a मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखो 3 4 जा 12 माइनस 1 तो ये 11, और राइट साइड में देखो 2 4 जा यहाँ पे 8 प्लस 1 9, और 9 इंटू 3, देखो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 रहेगा तो ये 27, ठीक है ना, 9 इंटू 3 27, तो ये a इंटू 27, तो फाइनली हमें a का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 11/27, ठीक है, ये 11 और ये 27 इधर लेके आएंगे तो वो डिवीजन में चले जाएगा, तो हमें a का वैल्यू मिल गया 11/27, तो फाइनली a मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें b और c फाइंड आउट करना है, तो b फाइंड आउट करने के लिए ये हम यहाँ लिखेंगे केस टू। तो b फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन नंबर b, देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो b का फ्रैक्शन है उसमें b के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करो। b का डिनोमिनेटर क्या है, 2x प्लस 1, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 2x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे निकालेंगे, देखो 2x इक्वल्स टू माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, 1 उधर शिफ्ट किए तो माइनस 1, और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, x का वैल्यू माइनस 1/2। और अब क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है, इसको ये जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पुट करना है, तो हमें b मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे माइनस 1/2 पुट करना है। यहाँ पे x है लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे x मल्टीप्लाई किए तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा। देन यहाँ पे a, ये 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब माइनस 1/2, तो ये हम लिखेंगे a दैट इज माइनस 2/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1, देन माइनस 1/2 माइनस 1, इस तरह से, ठीक है, ओके। और अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, प्लस b, x का वैल्यू माइनस 1/2, देन माइनस ऑफ 4, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस 1/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस c, c के लिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2 माइनस 4, देन माइनस 2/2 प्लस ऑफ 1, इस तरह से। देखो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे उसका वैल्यू माइनस 1/2 पुट किए। और अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में देखो क्या होगा, ये माइनस 3/2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस 5/2 ऐसा हो जाएगा। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो, ऐड करो तो ये माइनस 5/2 हो जाएगा। और अब राइट साइड में चलते हैं, तो ये a देखो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस 2/2 माइनस 2/2 मतलब माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और c के टाइम में भी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 2/2 है, इट मीन्स माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। बस b के लिए हमें सॉल्व है तो प्लस b, देखो ये माइनस 1/2 माइनस 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पे एडिशन करो वहां पे तो वो हो जाएगा दैट इज माइनस 9/2, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये राइट साइड में माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस 5/2 एज इट इज़ है, राइट साइड में माइनस माइनस प्लस, और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा यहाँ पे b और 27/4, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब यहाँ से b मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से b कितना मिलेगा देखो। और अब b फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये जो 27/4 है इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में ऑलरेडी माइनस 5/2 है, और ये इधर आने के बाद वो हो जाएगा 4/27, देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ओके। और अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पर देखो ये 2 और ये 4 को यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाएगा माइनस क्या मिलेगा दैट इज 10/27, तो ये हमें b का वैल्यू मिल गया, a और b मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें c का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम टेक्निक। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, c ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो c का फ्रैक्शन है उसमें c के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करो, माने x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो देखो x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, और ये जो x का वैल्यू है ये हमें फिर से कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर
टू में हम पुट करेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमें 1 पुट करना है, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस, तो ये सॉरी 3 इंटू 1, एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 3 माइनस 1। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे a, देन 2x के जगह, x के जगह हमें 1 पुट करना है, तो सीधा सीधा ये 2 प्लस 1 देन 1 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे प्लस b 1 और ये माइनस ऑफ 4 देन 1 माइनस 1 प्लस c और c के टाइम ये 1 माइनस 4 और फिर है दैट इज 2 प्लस 1 ऐसा, ठीक है ओके। और अब यहाँ से हमें c मिलने वाला है, लेफ्ट साइड में 2, ये हो गया 0, b का टर्म भी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 है। और यहाँ पे देखो 1 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 3 और ये 3, माइनस 3 इंटू 3 करना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ 9, तो वो हो जाएगा माइनस सी और यहाँ पे 9, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 इस तरह से ओके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिए माइनस 9, इस तरह से आंसर आया। तो यहाँ पे सी क्या मिलेगा, सो देयरफॉर सी इक्वल्स टू ये 9 जो है वो इधर लेके आ जाओ माइनस के साथ, तो वो हो जाएगा माइनस 2 बाई 9। इस तरह से ये हमने सी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए, ए बी सी तीनों मिल गए। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक बार आपको ए बी सी मिल गया तो आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलो ये ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3x माइनस 1 और राइट और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x माइनस 4 देन 2x प्लस ऑफ 1 और फिर x माइनस 1। और अब राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू है 11/27, तो ये हम लिखेंगे 11/27 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है x माइनस 4। देन b का वैल्यू ये हमने फाइंड आउट किए थे -10/27, तो ये हम लिखेंगे -10/27 और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 1, ठीक है। और c का वैल्यू है -2/9, तो ये हम लिखेंगे -2/9 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1। इस तरह से ये हमने क्या किए, ये हमने ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। लेकिन क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे 27 दिख रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/27 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। 1/27 कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा 11/x-4 ऐसा बचेगा, हमने यहाँ पे 1/27 कॉमन ले लिए ओके। देन यहाँ पे माइनस सबसे पहले बाहर ले लो और ये 27 बाहर निकल गया, तो बचेगा 10/2x+1 ऐसा बचेगा, ठीक है। और अब थर्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे सबसे पहले माइनस बाहर लो और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, लेकिन देखो न्यूमरेटर में 27 नहीं है, यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 27 था, तो हमने बाहर ले लिए लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे न्यूमरेटर को 27 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/9 क्या हो जाएगा, 3, और वो 3 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये हम लिखेंगे 6, ठीक है। ये 2 यहाँ पे एज इट इज़ है, हमने बस क्या किया 27 को 9 से डिवाइड किए, 27/9 करेंगे तो 3 आएगा, वो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से ये हमने 1/27 कॉमन ले लिए, इसको और एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। क्वेश्चन में जो कहा था रिजॉल्व द गिवन फ्रैक्शन इंटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम यहीं पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये था पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले जो हमने इसके 15 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।